हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S23 के बारे में। इन 2024 क्या आप सैमसंग गैलेक्सी S23 इन 2024 में कंसीडर कर सकते हैं? और 2024 को सिर्फ 3 महीने बचे, अब 2025 आ जाएगा। बट जो ये फ्लैगशिप है सैमसंग का गैलेक्सी S23, ये लॉन्च हुआ था 2023 में विथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। तो कैसा परफॉर्म करता है अभी के डेट में, क्या परफॉर्मेंस निकल कर आती है, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, ये सारे सेल वगैरह चल रहे हैं जहाँ पर आपको ये फ़ोन डाउन टू 40,000 आपको मिल जाएगा, 256 GB वाला वेरिएंट। और 128 लेते हैं वहाँ पर आपको 128 GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएगी। एल्युमिनियम फ्रेम मिल जाता है यहाँ पर। जो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी लगी मुझे इस फ़ोन की, वो यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ़ोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको मिल जाएगी। बैक में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर 3 कैमरा हैं, 50+10+12 का कैमरा आपको मिल जाएगा। फ्रॉस्टेड ग्लास के साथ आता है, जो कि यहाँ पर स्क्रैचेस वगैरह आसानी से नहीं होंगे। गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिल जाती है। और नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग की ब्रांडिंग है। ओवरऑल जो फ़ोन का साइज़ है वो यहाँ पे काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको मिल जाता है। तो फ्रंट साइड डिस्प्ले की हम बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी कम बेजल्स मिल जाते हैं, सिमेट्रिकल बेजल्स मिलते हैं, जो कि यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम फील देता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो है एमोलेड 2X 120Hz HDR10+ का डिस्प्ले। 6.1 इंचेस की आपको सिर्फ स्क्रीन मिल जाती है, जो कि काफ़ी छोटी है, बट यहाँ पर ओवरऑल ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है। यहाँ पर कलर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी पंची एंड एक्यूरेट निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर HDR कंटेंट वगैरह आप देखते हैं तो वहाँ पर कलर वगैरह में कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी लगी वो मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी इस सैमसंग गैलेक्सी S23 में। उसी के साथ यहाँ पर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव है। अभी तक मैंने जितने भी फ़ोन ट्राई किए उसमें से मुझे, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जिसकी वजह से ये काफ़ी फास्ट एंड एक्यूरेट है। करंटली हमारा फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड 14 पर रन कर रहा है, बट यहाँ पर आपको 3 साल के और एंड्रॉयड अपडेट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 साल के और सिक्योरिटी पैचेस अपडेट आपको इस सैमसंग गैलेक्सी S23 में मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी S23 में। तो अबाउट फ़ोन में जाएंगे, अबाउट फ़ोन में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर वन UI वर्जन जो है 6.1 आपको देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो यहाँ पर आपको 14 लेटेस्ट मिल जाता है, विथ लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर काफ़ी सारे AI के फीचर मिल जाते हैं। जब आप गैलेक्सी AI में जाएंगे तो यहाँ पर कॉल असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, चैट असिस्ट का फीचर मिल जाता है, नोट असिस्टेंट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट है, यहाँ पर ब्राउजिंग असिस्ट है, फोटो असिस्ट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे AI के फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस फ़ोन में। तो यहाँ पे ये हमारा पिक्चर है, तो यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करके उसे वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा जब आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जब आप जनरेट कर देंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा। फिर वहाँ AI की हेल्प से आपका यहाँ पर जो अभी आप ऐड करना चाहते हैं अपने फ़ोटो में, वो यहाँ पर आप आसानी से कर पाएंगे AI की मदद से। तो देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके का किया, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको सारे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे इसी डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। और गाइज, ये है हमारी एक एडिटेड पिक्चर गैलेक्सी AI की हेल्प से, तो हमने वहाँ पे कर लिया था। और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके का स्केच वगैरह भी बना सकते हैं, लाइक वाटर कलर के स्केच वगैरह हो गए, तो वो यहाँ पे आप इजीली AI की हेल्प से क्रिएट कर पाएंगे इस फ़ोन में। और यहाँ पर सैमसंग ब्राउज़र में भी आपको AI के फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं गया सैमसंग का ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये वेबसाइट खोली है, अब मुझे ये पूरा रीड नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको AI का सिंबल आइकन मिल जाता है, आपको सिर्फ टच करना है। जस्ट मैं इसे समराइज़ करूँगा तो ये मुझे पे एक समरी दे देगा AI की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे इसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल में देखना चाहता हूँ तो उसे भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ गैलेक्सी AI की मदद से। यहाँ पे मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ हिंदी में, मैं चाहता हूँ इंग्लिश को हिंदी में करना, तो AI की हेल्प से वो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है उसे यहाँ पे समराइज कर देगा। तो यहाँ पर इसे आप कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे AI के फीचर्स आपको इस सैमसंग गैलेक्सी S23 में मिल जाते हैं।
कॉल वगैरह में भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक टेक्स्ट कॉल, लाइव ट्रांसलेट, जब आप किसी से बात करेंगे जो वो क्या बोल रहा है तो वो टेक्स्ट में कर सकते हैं और उसे उसी वक्त ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस सैमसंग गैलेक्सी S23 AI फीचर्स। यहाँ पर इस फ़ोन में IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट मिल जाती है, जो कि 30 मिनट तक आप इस फ़ोन को पानी में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बैटरी की बात कर ले तो यहाँ पर 3900 की इमेज की बैटरी मिल जाती है, जो कि छोटी लग सकती है आपको, बट जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो मुझे यहाँ पर तकरीबन 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जा रहा था और मेरा फ़ोन का जो बैटरी था वो 14-15% बच भी जा रहा था। तो ओवरऑल मेरा पूरा दिन जो निकल जा रहा था और बैटरी ड्रेन जो है वो यहाँ पर काफ़ी कम है इस फ़ोन में, ओवरऑल काफ़ी ऑप्टिमाइज है ये बैटरी में। डेफिनेटली बैटरी छोटी लग सकती है बट जो बैटरी लाइफ है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 25 वाट की वायर्ड चार्जर मिल जाती है, जो कि आप आसानी से 1 से 1 घंटा या 10 मिनट में आपका फ़ोन जो है वो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा और चार्जिंग के वक्त थोड़ा सा फ़ोन जो है हमारा हीट होता है। और इस फ़ोन के जो हैप्टिक्स वगैरह हैं वो गाइस यहाँ पर काफ़ी कमाल के हैप्टिक्स वगैरह मिल जाते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया गया, हर जगह आपको हैप्टिक्स मिल जाते हैं और हैप्टिक्स फीडबैक जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस फ़ोन में। तो परफॉर्मेंस की बात कर ले तो यहाँ पर हम मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है एंड नो डाउट परफॉर्मेंस जो है इस फ़ोन की वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हमने एंटूटू बेंचमार्क स्कोर रन किया था, वहाँ पर 13 लाख के आसपास एंटूटू स्कोर निकाल के दे रहा था और जो परफॉर्मेंस लगी मुझे गाइस इस फ़ोन की वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल मुझे कोई मेजर लैग एंड स्टटर नोटिस नहीं हुए इस फ़ोन के साथ, डे टू डे यूसेज में कोई भी मेजर लैग एंड स्टटर मुझे नोटिस। ओवरऑल जो रैम मैनेजमेंट वगैरह थी वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक फ्लैगशिप लेवल की आपको मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर यूज़ किया गया, उसकी वजह से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप ज़्यादा दिन तक यूज़ करना चाहते हैं ये फ़ोन तो आप 256 GB लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिल जाती है। तो डेफिनेटली आप 256 GB को लीजिए अगर आप एक लंबे समय तक इस फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं। हमने इस फ़ोन में यहाँ पर BGMI वगैरह भी टेस्ट किया, तो BGMI में हमें यह 90 FPS निकाल कर दे रहा था बट वहाँ पर फ़ोन जो है काफ़ी हीट हो रहा था 90 FPS के साथ, वहाँ पर काफ़ी फ्रेम ड्रॉप वगैरह हो रहे थे क्योंकि फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था, विच इज़ अनप्लेबल हो रहा था क्योंकि फ़ोन इतना गर्म हो जा रहा था कि पकड़ने में भी कम्फर्टेबल नहीं लग रहा था। तो इस वजह से गेमिंग के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस गेमिंग के लिए आई फील दिस डिवाइस इज़ नॉट फॉर यू, अगर आप डे टू डे यूसेज के लिए चाहते हैं तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकाल के दे देगा इस फ़ोन। तो गाइज ये हमारा कुछ बेसिक सा कैमरा UI ऐप, यहाँ पर वीडियो मोड है, फोटो मोड है, मोर मोड में काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं लाइक स्लोमो, सुपर स्लोमो, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, वो सारे ऑप्शन आपको इस फ़ोन में मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आप इस फ़ोन में 8K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी S23 में। तो ओवरऑल कैमरा इज़ गुड इन दिस फ़ोन, आई एम नॉट सेइंग द बेस्ट कैमरा इन दिस फ़ोन बट इट इज़ अ गुड कैमरा फ़ोन। सो गाइस सारी चीज़ें मिलाने के बाद यहाँ पर कॉन्क्लूज़न की बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी S23 उनके लिए है जो डे टू डे यूसेज में अच्छा फ़ोन चाहते हैं, जिनका फ़ोन अच्छा परफॉर्म करे। अगर आप गेमर हैं तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए रिकमेंड नहीं है, मार्केट में काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इस फ़ोन से आप दूर रहिए क्योंकि यहाँ पर हीटिंग इशू है इस फ़ोन में। अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आप डे टू डे टास्क करते हैं तो वो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, गेमर के लिए ये फ़ोन रिकमेंड नहीं है, सिंपल आंसर। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।